गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम निशा दोस्टे वी स्टडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल होल नंबर एंड रैशनल एंड लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल फर्स्ट रैशनल ओके ऑफ क्लास एट्थ आज हम क्या पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे अपने रैशनल नंबर की और हम कैसे रिकॉग्नाइज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में और लोवेस्ट फॉर्म में ओके टुडे वी अंडरस्टैंड दैट टॉपिक तो रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आज इस हमें स्टडी करनी है और रेशनल नंबर पी एंड क्यू एक रेशनल नंबर है हमारे पास पी एंड क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर पी एंड क्यू हैज नो कॉमन फैक्ट फैक्टर एक्सेप्टन और नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कि जो हमारा इन दोनों का क्या कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई ना हो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और क्यू हमेशा मोर देन हमारा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे स्टेप्स लर्न करेंगे स्टेप्स टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड फॉर्म अब यहाँ पे हम स्टेप्स देखेंगे फर्स्ट दो स्टेप फॉलो करते हैं हम मेनली तो टू स्टेप्स होते हैं रिड्यूस द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन फैक्टर हम अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि जो भी कॉमन फैक्टर होता है उससे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं इसको ओके नेक्स्ट इंश्योर इनश्योर द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर वो वो ऑलवेज क्या रहे पॉजिटिव हो तो फॉर आई एम टेक हेयर वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट अब मेथड नंबर फर्स्ट है इसमें मेथड नंबर फर्स्ट में हमने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल लिया फाइव अपॉन में फिफ्टीन अब फाइव में फिफ्टीन का कॉमन फैक्टर क्या है फाइव है क्योंकि ये दोनों किस के टेबल में आते हैं फाइव वन जै फाइव और फाइव थ्री जै फिफ्टीन तो सेम ये सी अब वन बाई थ्री क्या होगी? Standard form हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई फाइव अपॉन फिफ्टीन की ओके ऑल अंडरस्टूड आई एम टेक एन अदर एक्साम्पल सिक्स में ट्वेंटी फोर अब मैंने लिया सिक्स में ट्वेंटी फोर तो सेम है 6 6, और 6 फोर जा क्या होता है हमारा ट्वेंटी फोर होता है अब सेम अब यहाँ पर आप दोनों को किसे टू से या थ्री से भी डिविजन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टू और थ्री की टेबल में आते हैं भाई यहाँ पे थ्री से डिवाइड करनी हूँ तो थ्री टू जा क्या होता है हमारा सिक्स और थ्री एट जा होता है हमारा ट्वेंटी फोर अब टू अपॉन्ट फोर आ गया फिर इसे डिवाइड करो क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या है टू है तो टू वन जा टू और टू फोर या एट तो मीन्स जो सिक्स अपॉन ट्वेंटी फोर हमें गिवन था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वन बाई फोर है ओके आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड और हेयर वी स्टडी द सेकेंड मैथड अब सेकेंड मैथड से हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे मैथड नंबर सेकेंड है हमारा क्या गिवन गिवन था हमें पार्ट ए है माइनस का ट्वेल्व अपॉन में ओके न्यूमिनेटर में हमारा साइन होता है इसका मतलब ये हमारा साइन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि उसने बोला था हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो हमें क्या दे रखा था सेकेंड मैथड में क्या करते हैं हम एल्सियम लेते हैं यहाँ पे हमें ट्वेल्व और एटीन दे रखा है तो अब हमने क्या करेंगे इसे डिवाइड करते हैं तो एल से हम लेंगे तो हम वही लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है मीन्स सबसे छोटे से छोटे नंबर से हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो टू सिक्स जहाँ क्या होता है ट्वेल्व होता है और टू नाइन जहाँ एटीन होता है ओके अब हमारा डिवाइड करने के बाद क्या आया गया सिक्स और नाइन आ गया अब हमने देखा ये दोनों ठीक के टू के टेबल में तो नहीं आते थ्री के टेबल में आता है तो थ्री टू जै सिक्स और थ्री थ्री जै नाइन मीन्स जो इसका कॉमन फैक्टर है वो क्या है सिक्स है और फाइनली हमारा आंसर क्या बच जाता है टू अपॉन में थ्री और यहाँ पे हमारे न्यूमिनेटर में क्या था माइनस था इसीलिए हमने न्यूमिनेटर में क्या लगा दिया माइनस लगा दिया टेक अन अदर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या लिए नेगेटिव लिए ओके यहाँ पे मेरे को क्या गिवन था माइनस का ट्वेंटी फाइव और माइनस का ट्वेंटी माइनस से माइनस क्या कर देते हैं हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा क्या रह जाता है ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी हम कैंसिल भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्या करें दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में माइनस की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं जिससे कि हमारे क्या हो जाते हैं दोनों ही साइन प्लस हो जाते हैं तो ट्वेंटी फाइव अपॉन में क्या आ जाएगा फिफ्टी आ जाएगा ओके अब जब ये आंसर आ जाएगा हमारा तो हम क्या लेंगे यहाँ पे सेकेंड मेथड में हम कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हम एलसीएम लेते हैं अब यहाँ पे हम ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी का एलसीएम लेंगे तो फाइव फाइव जो क्या होता है हमारा ट्वेंटी फाइव होता है ओके और फाइव फोर से क्या होता है हमारा ट्वेंटी होता है तो हमारी फाइव अपॉन फोर आ गया मीन्स ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी फाइव बाई फोर होगी ओके अब यहाँ पे जो हमारा जो पॉइंट नंबर सेकेंड था कि इंश्योर दैट कि योर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव हमें ये ध्यान रखना था तो यहाँ पे आई एम टेक एग्जाम्पल मुझे क्या दे रखा है फिफ्टीन अपॉन में माइनस का सेवेंटी फाइव अब मैंने क्या करा अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन कर दी जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस का आता है सेम है यहाँ पे मेरा माइनस का फिफ्टीन हो गया और सेवनटी फाइव क्या हो गया प्लस का हो गया अब यहाँ पर हमने क्या देखेंगे ये हमारे अकॉर्डिंग टू साइन तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब ये देखें इनका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है तो फिफ्टीन अपॉन में सेवेंटी फाइव है और फिफ्टीन अपॉन सेवनटी फाइव का कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा 15 ही होता है 15 वन जा 15 और 15 जा क्या होता है सेवन मीन्स माइनस वन अपॉन में इसे डिवाइड करेंगे अब यहाँ पे हमने टेक अनदर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव लिए हैं माइनस का ट्वेंटी फाइव माइनस का फिफ्टी अब यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों ही नेगेटिव या तो सिंपली आप इन्हें क्या कर दो कैंसिल कर दो क्योंकि वही डिजिट सेम वही कॉमन फैक्टर यहाँ पे माइनस वन है तो या तो और या फिर मल्टीप्लीकेशन कर दो तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के थ्रू दिखाया है माइनस के ट्वेंटी फाइव की मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे तो प्लस का ट्वेंटी फाइव आएगा और माइनस के फिफ्टी की मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे तो मेरा प्लस का फिफ्टी आएगा अब हम इसे क्या करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अब यहां पर क्या है इसका ये देखेंगे इसका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है तो सिंपली आप इसे ट्वेंटी फिफ्टी भी कर सकते हैं अगर आपको इतना तो मतलब और नहीं तो सिंपली आप फाइव फाइव जा क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव और फाइव टेन जा फिफ्टी फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फाइव वन जा जाव टू जा फिर सिंपली इसे क्या करेंगे फाइव वन जा और जाव टू जा टेन हो जाएगा ओके तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी वन बाई टू जब हम ट्वेंटी फाइव अपॉन में फिफ्टी को क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारा आंसर क्या आता है वन बाई टू आता है ओके आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड अब यहाँ पढ़ेंगे हम इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स क्या स्टडी करना है हमें इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स ओके तो फर्स्ट मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट मेथड कौन सा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दिस मेथड टू द दो रेशनल क्या है हमारे इक्वल हैं वो देखो कैसे देखते हैं हम तो फर्स्ट मेथड हमारा क्रॉस ही था तो मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा हमारा कि हम फर्स्ट वाले के न्यूमिनेटर को सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर को सेकेंड वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे p इंटू आ गया और q इंटू आर आ गया अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे रैशनल नंबर्स इक्वल हैं अगर ये इक्वल नहीं आएंगी तो मीन्स हम कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है ओके यही लिखा है मैंने न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट अब नोट अब यहाँ पर नोट हमें ये ध्यान रखना है मैंने सेम वही बताया है टू रैशनल नंबर पी एंड क्यू आर इक्वल इफ पी इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर ये दोनों उस कंडीशन में ही इक्वल होंगे जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी सेम आ जाएगी